जय हिंद दोस्तों, ये ओबराय डेयरी है, ताजपुर रोड लुधियाना। भोलू जी हैं, कालू जी मणि जो इसका संचालन करते हैं। तो महाराष्ट्र, राजस्थान और उड़ीसा के लिए इनकी गाय जो है ये जा रही हैं। तो बात करते हैं इनसे कि क्या हिसाब किताब है। नमस्कार, स्वागत है आपका। भी बहुत स्वागत है जी ओबराय डेयरी फार्म में। हाँ जी, और जी कहाँ के लिए जा रही है गाय? ये गाय अंकल जी अपना नागपुर जा रही है तिवारी अंकल जी के पास। अभी गाड़ी पीछे भी गई थी। क्या अभी नाम है तिवारी? ए अनुराग तिवारी जी। कहाँ? नागपुर में। नागपुर में कितनी बार आ चुके हैं? आए एक बार है और ये लगभग सातवीं गाड़ी है। सातवीं बार माल जा रहा? हाँ जी। वो खुद एक बार आए? जब दो गाड़ी लेके गई थी। अच्छा, उसके बाद पांच गाड़ी ये पांच भी जा रही है। उनकी गैर हाजिरी में गया, ऑनलाइन ही चला गया। अभी उनकी दो गायें खरीदी है। हाँ। और बाकी उनकी जर्सी गायें लेनी है, वो भी हमने खरीदी हुई है। दो गायें खरीद चुके हैं, जर्सी भी। कितनी है उनके पास वहाँ टोटल? अभी उनके घर की ओर ये डाल के लगभग 120 होगी। इसका मतलब कि जैसी यहाँ से भेज रहे हो वो बढ़ा रहे हैं आगे? बढ़ा रहे, कसौटी पे खरी उतरती है तभी बार बार आते हैं। देखो जी, आदमी जिनको अनुभव है, ऐसा नहीं है कि उधर जाके गायें कोई बीमार नहीं होती, खराब नहीं होती, कोई मरती नहीं। इनमें से गायें कोई मर भी जाती है, पर जिनको अनुभव है, जिनको पता है कि ये सांस लेने वाली चीज़ है, ये नहीं कि हर गाड़ी सही भी उतरती है, कोई गाड़ी उधर जाके एक आधी गायें मर भी जाती है। तो जिनको पता है वो ये चीज़ पे इशू नहीं रखते। पहले ये बताओ, ये जो गाय दिखा रहे हो? हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जी। अभी तो दो दांत बछड़ी है। दो दांत है? हाँ जी। दांत दिखा दो। ये दो दांत है, पहली ब्यांत है? पहली ब्यांत। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और हाइट क्वालिटी और वेट लेवल बहुत अच्छा है इसका। तो कौन कितना दूध देगी? दूध ये 35 से प्लस, 40 तक, 35 से तो प्लस ही चलेगी। अच्छा, वो ज़्यादातर लोग जो है ना वो सीमन गलत बता देते हैं। हाँ जी। उनको मालूम होता नहीं है। हाँ जी। लेकिन वो अपने आप को काबिल शो करने के लिए ना बता देते हैं। वो कई ब्रीड में ही सीमन देते हैं वो। तो ये कौन से सीमन की है? ये सर अपना 40-120 की है। 40-120। हाँ जी। 30-35 दूध है? 35 से प्लस ही चलेगी, देगी इतना? हाँ जी। कैसे कहते हो? खुद फार्म से ली है और खुद देख कर ली हुई है। और ये आज नहीं, की नहीं, आप, आज की नहीं मांग रहा हूँ, जब ये दो महीने की प्रेगनेंसी है, पहली बार ब्याना है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि क्योंकि वो फार्मर की 30 से अंदर तो वैसे नहीं रहती। और वो फार्मर की ये जितनी भी हाइटेड बछड़ी थी उसमें से ली हुई है। इसके करेक्टर बताते हैं? करेक्टर बहुत अच्छे हैं। आप ये देखो, जो अच्छी ब्रीड होती है, आप ये देखो गर्दन की, आप कोई झालर यहाँ से लटक रही है, यहाँ कुछ नहीं, एकदम जो प्योर एचएफ की पहचान होती है। ये बिल्कुल गला है, जो इसमें झालर नहीं लटकेगी, ये पूरा साथ में जुड़ा होगा सही। मतलब ये जो गर्दन का जो मांस है वो लटकेगा नहीं एचएफ में। सबसे बड़ी बात है ये बोन्स, देखो आप, ये बोन्स एकदम सीधी है। हाँ। ये बाहर नहीं है। अच्छा, ये अगर 8 साल के बाद भी ये घोड़े जैसी रहेगी। जितना इसकी लंबी लाइफ जाएगी, लेकिन शरीर की बनावट में तब्दीली नहीं आएगी। और लेग्स केयर आगे पीछे देखो जी, कितने खुलकर, कम से कम आधे आधे एक फीट के बीच में ये अपना स्केयर लेके खड़ी हुई है दोनों पैरों का। तो क्या दाम लगाओगे इसका? ये वैसे दो गायें ली है जी उनकी, दूसरी एक और आएगी। कितने हाँ की हैं? 2,35,000 की दो गायें। 2,35,000 की? अच्छा। हाँ जी। तो कितना समय अभी मांग रही है? अभी इनको 20 दिन बाकी है जी। 20 दिन बाकी है। ऑर्डर बहुत टाइट है? टाइट है। देखो जी, धाबरा पहला खुलेगा, पूरा खुलेगा जी। अभी तो बहुत खुलेगा। अभी तो उसके नीचे आप देख रहे हो ना, झोल भी कितनी है और कितने उसमें ढील बहुत पड़ी हुई है। तुमने इतना कसा है चमड़े से और वो सब, जैसे घोड़े कसते हैं तो, या दूध ले रहा है इससे? नहीं, दूध दे रही है जी। नहीं, कहते हैं जितना आराम में इसको रखेंगे उतना इसका दूध जो है गुणकारी होगा। अच्छा। जितना परेशान करोगे उतना वो करेगा? नहीं नहीं, परेशान नहीं करेगी, पूरा गुणकारी दूध है जी इसका, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कौन सी ब्यांत की है? ये कहीं दूसरा ब्यांत है जी। ब्याह गई है, बच्चा दिया हुआ, पीछे बछड़ी, बछड़ी दी है, वो बछड़ी खड़ी है जी। क्या कहते तिवारी जी, 18 नंबर ने बछड़ी दी, बता दिया? बता दिया जी। तो क्या बोलते हैं, बछड़ी? बछड़ी बोला जी, बछड़ी है। बदल तो नहीं दो? बदलेंगे क्यों अंकल जी, आपके सामने अभी बोल रहे हैं तो बदल कैसे जाए? बदल देते हैं। ये बछड़ी पकड़ के ले आ यार, बछड़ी इधर ही दिखा देते हैं। तो ये कितना दूध देगी? हाँ जी, कितना दूध देगी?
दूध अंकल जी अभी इसकी नजर 32 लीटर रेडी है, 32 लीटर नहीं, तुम खाली सुंदरता देखते हो या खाली दूध भी देखते हो? गुण भी देखते हैं, दूध भी देखते हैं। इसको आज जनी को सिर्फ 7 दिन हुए, कितने दूध पे आ गई? 32 लीटर अभी रेडी, 25 पे अभी दूध निकाल। कितने का बताया था ये जोड़ा? 240 का जी, 240 का। 120 की बनी? नहीं नहीं, वो उसको हम ज्यादा गिनते हैं, ये 110 की, वो 130 की। अच्छा, ये उससे कम की? हाँ जी। तो वो दो दांत की वजह से? वो दो दांत, एक तो उम्र कम है। अच्छा, पहले हमें ये बताओ, और इससे वजन उसका ज्यादा है? इससे वजन भी उसका ज्यादा है? इसका उसका वजन ज्यादा? उसका ज्यादा? हाँ जी। लगता तो इसका ज्यादा? नहीं, वजन उसका ज्यादा जी। अच्छा, ये भी बात है। हाँ, मतलब हमको इतना नहीं ज्ञान है, लेकिन फिर भी देखने भी लग रही उससे। बच्चा दिया हुआ है, ऑर्डर अभी बना हुआ है, जिस दिन वो ऑर्डर पे तैयार हो जाएगी वो और इससे भी बहुत ज़्यादा डबल लगेगी। अच्छा, तुम उनको जैसे मोबाइल के ऊपर दिखा देते हो? हाँ जी। तो कुछ नहीं अंकल जी, मेरी बात उल्ट भी हो जाता है? 240 मैंने आपको दाम बताया है, अभी उनको दाम नहीं मालूम। उनको नहीं मालूम? पिछली गाड़ी भी गई थी, किसी गाय का दाम लिख के नहीं डाला, जितने की गाड़ी मतलब आपने गाड़ी भेज दी है, गाय खरीद के दे दी है, दाम उनको आपने बाद में बता रहा है, अगर वो ना माने फिर? चार गाड़ी का किसी का भी दाम नहीं बताया जी। तो ना माने फिर? हाँ जी। अगर ना माने तो? गाय बताती है ना कि मैं क्या चीज हूँ। 6 दांत? हाँ जी। अगर आगे से थोड़ी काली ना होती तो देसी का बुलेगा डाल देते। हाँ, पीछे से पूरी सफेद है जी। तो कौन सी ब्यांत की है? दूसरा ब्यांत आ गया ना? दूसरा ब्यांत अंकल जी। दूसरा? हाँ जी। 6 दांत? 6 दांत। कितना समय मांग रही है? समय अंकल जी इसको अभी पड़े 12-13 दिन। कितना देगी दूध? दूध ये देगी अंकल अपना लगभग 35 से प्लस 40 के आसपास दे सकती है। इसका क्या दाम लगाया? ये 90 किलो की दी है। 90? ये असम जा रही है। ये अर्पित के नहीं? नहीं, तिवारी जी की दो ही है ना अभी। अच्छा, दो ही? दो जर्सी ली है, दो ये जर्सी अभी आज शाम तक आने वाली है और कल आपको डलवाएंगे। अच्छा, तो ये कौन है? ये अंकल जी अपना अर्पित भाई है। आए हुए हैं? नहीं, आए नहीं हुए। हाँ। ये असम से है, ऑनलाइन है, और बाकी उनके जो चाचा है वो अभी 26 तारीख को आ रहे हैं। हमको एक बात बड़ी अजीब लगी, तुम कहते हो कि हमने गाय भेज दी है, भाव उनको भी बताया नहीं है। हाँ, यहाँ तुम्हारे भाई बंधु जो हैं वो तो पीठ नहीं घुमाने देते हैं, तुम कहते हो कि हमने गाय भेज करके बाद में भाव बताएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं, घूम जाते हैं खुद ही। चक्कर ये है, जब भी देखो एक आदमी का विश्वास होता है, ऐसा नहीं, ऐसे अभी मेरे आपके माध्यम से कम 10 ग्राहक मेरे ऐसे लगे हुए हैं कि जो यही काम जैसे अपना तिवारी अंकल मंगा रहे हैं, ऐसे अपना जैसे खरसे दादा है पुणे के, अपना नितिन सेठ है टिंगरे साहब, गुजरात के अभी अपना अनिल भाई का माल भेजा है जो पहले भी गया था, अभी कल भी माल भरा था, आपको बुलाया था पर आप आए नहीं पाए। तो ये बनानी पड़ेगी। ये जो आदमी अनिल भाई ने, अभी मैं आपको फ़ोन पे बात कराता हूँ, उनका मेरे पास 12 लाख है अभी पड़ा हुआ है। अभी 26 तारीख को एक और गाड़ी मंगानी है, एक गाड़ी मैंने भेज दी है, पर जो गाड़ी गई है उसका रेट भी मालूम नहीं उनको। दो दांत है? हाँ जी। बहुत ब्रीड में है? बहुत अच्छी ब्रीड में है जी। सारे लक्षण हैं ब्रीड वाले? पूरे लक्षण है जी। तो कौन से टीके की है ये? टीका नहीं पता अंकल। नहीं मालूम? ये व्यापारी से ली हुई है, किसान, किसान की नहीं। पहली ब्यांत है? अभी पहला ब्यांत है अंकल जी। व्यापारी से ली है? हाँ जी। तो कितना दूध मालूम है? तुम्हारा अंदाजा क्या कहता है? दूध अभी रेडी है जी, 30 लीटर ब्याई हुई है, बच्चा दिया हुआ। क्या दिया? पीछे बछड़ा जी, वो खड़ा। अच्छा, इसने बछड़ा दिया? बछड़ा सफेद वो है जी, जैसा ये है वैसा वो है। काला काला वो भी काला ही है। तो कितना दूध बताया? हाँ जी, दूध कितना बताया इसका? दूध अंकल अभी 30 लीटर रेडी है। अभी बढ़ेगी आगे? अभी तो बढ़ेगी जी, आज इसको हो गए लगभग 14-15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए? 15 दिन हो गए। हाँ जी। तो क्या दाम की है ये? दाम अंकल जी इसका अपना 90 की लेके दी। 90 की? हाँ जी। टेढ़ी मेढ़ी चल रही है? नहीं, वो थोड़ा मैट टेढ़ी। मैट की वजह? हाँ जी। तो वहाँ पे मैट पे नहीं लगे? नहीं, वहाँ पे तो ये खुली घूमती रहती है फार्मों में। तो कितनी उम्र की है ये? लगभग होगी जी 4.5 साल की। 4.5 साल? हाँ जी। सेकंड ब्यांत? सेकंड में जी। कितना दूध देगी? दूध दे देगी 30 लीटर बड़े आराम से वहाँ पे। 30 लीटर दे देगी? ये भी असम जा रही है। तो फार्म की है? है तो फार्म की अंकल जी, कान छोटे हैं, हेड अच्छा है इसका, ब्रीड पूरी है जी। प्योर? पूरी? नहीं, प्योर नहीं बोल सकते, पूरे लेवल पे नहीं बोल सकते, जो हमने पहले ली है उससे थोड़ा कम नहीं है पहले वाली? नहीं, फर्क तो है ये जी, तो रेट का भी फर्क होता ना। जैसी चीज वैसा था? हाँ जी। क्या दाम है? 83 की है जी। 83,000? हाँ जी। वो 110 की थी?
वो एक एक दस की एक पीस की राज की है। वो व्यापारी हम पूछते हैं लेकिन बताते नहीं, छुपा जाते हैं। तुम हमें बताओ कि लोग जो है, जो खरीदार हैं, कैसे ठगे जाते हैं? ठगने का अंकल जी देखो जी, खरीदार जैसे ठग तो हम भी जाते हैं, अगर कई बार हम फार्म में से लेते हैं, कोई आदमी झूठ बोल के भी दे सकता है, हो जाता है कि 10 दिन का बोल के 30 दिन की कच्ची होती है, उसमें कोई वजह नहीं बात होती है, ठगने की ये बात नहीं होती। बाकी ये चक्कर होता है कि जो चीज़ हमने अगर किसी को देनी है, अपने घर पे है, तो अपने को अपने घर पे चीज़ का पता है कि ये इस लेवल पे है, इसका दूध इतना है, या ये गाभिन है, इसका आंचल सही है कि नहीं है, वो हमारे को पता है। अगर हमारे को पता होने के बाद भी हम ग्राहक को गलत चीज़ दें, वो सबसे बड़ी वो ऐसे लोग ठगते हैं। अगर फार्म में 3 आंचल की गायें लेके आते हैं, किसान को बोल देते हैं ये 4 आंचल सही है, और वो गाय उनको आप खुद लाते 40 की दे देते हैं लाख की, वो चीज़ गलत है। और आपको मैं चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे ये गाय है, सीधा करी आगे आ जा, ये अंकल जी अब 4 आंचल इसके कंप्लीट है, ठीक है जी। अब अगर 3 आंचल की होगी तो वहाँ पे जाके वो 3 आंचल निकलती है, तो लोग तो ये बोल देते गाड़ी में ख़राब हो गया या ये हो गया। जब पहली 3 आंचल की है तो वो 4 आंचल हो ही नहीं सकती ना, तो वो लोग ऐसे ठगते हैं लोगों को। तो उससे अच्छा है या तो वीडियो कॉल पे उसको बोलो कि भाई 4 आंचल दिखाओ कि उसमें सही दूध आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं कि वो लोग खुद खरीदने के लिए आए तो बढ़िया रहेगा, वो सबसे बेस्ट है। देखो जैसे तो अगर जी है, देखो अंकल जी हैं, ये लोग अनुभवी हैं, अनुभव हो गया, अनुभव भी नहीं भेजेगा, अनुभव भी हो गया। सबसे बड़ी बात ये है, जो मेरे पास नए कस्टमर भी आते हैं, मैं उनको बोल देता हूँ ये मेरे 10 कस्टमर है, ये आपके पास के, इनके घर पे जाओ, मेरी गायें देखो, इनसे बात करो। अगर मेरी गायें आपके पास आती है, कोई फोल्ड होती है, तो आप उनको शिकायत करना, मैं आपका पैसा पूरा डाल दूंगा। अगर किसी भी आदमी ने किसी से भी माल मंगवाना है, उसको बोलो कम से कम 5 आदमी का मेरे को ऐसा नंबर दो जो हमारे उधर अगल बगल का हो, वो आपसे माल लेके आया है कि आपकी गायें कोई 3 आंचल की, 2 आंचल की, कोई नॉन प्रेग्नेंट ऐसी निकली तो नहीं, फिर तसल्ली करो, फिर लो। पहले वो बताओगे ना, वो जैसे ब्रुसेलोसिस है, हाँ तो अगर चेक जैसे करते हैं तो कैसे चेक करते हैं? देखो जी, पूरे पंजाब में किसी के पास भी किट नहीं होगी ब्रुसी की टेस्ट करने वाली। मेरे पास तो, मैं देखो जी अपना, मेरे पास अभी और भी किट मंगवाई है मैंने, खरसे दादाजी से मंगवाई थी, ये अभी कुरियर आया आपके सामने ही है, तो आप पूछ रहे हैं तो मैं ये देखो, ये आप जूम करके ओबराय डेयरी फार्म ताजपुर रोड लुधियाना, ये जलगांव से आई है। अच्छा, कितने की मिली? इसके कोई पेमेंट नहीं ली उन्होंने मेरे से, मुफ्त में दे दी। मेरे देखो जी, वो कस्टमर है मेरे पुराने, आपके कारण ही जुड़े हुए, ठीक है जी, उन्होंने इसका पैसा नहीं लिया। 50 किट है इसके अंदर चेक करने के लिए टेस्ट, और इसको मैं खोल के भी दिखा देता हूँ किट होती कैसी। खोल के तो इस गाय का बताओ तो क्या कहती है? ये बड़े छोटे कद में है, ये छोटे कद नहीं है अंकल जी, क्वालिटी बहुत अच्छी है, जितनी छोटी है उससे बड़ी क्वालिटी है। अच्छा, ऑर्डर की कितना दूध देगी? दूध ये 30 लीटर देगी। कितने दांत हैं? 6 दांत है अंकल। 6 दांत है, तो कितना समय मांग रही है अभी? अभी समय इसको अभी 10 दिन बाकी है। 10 दिन अभी बाकी है, हाँ जी। तो क्या दाम की होगी? 81 की लिए ये जा रही है उड़ीसा। उड़ीसा जा रही है, हाँ जी। कैसी जा रही? ये अनुगुल उड़ीसा में अनुगुल जाती है। फिर बताओ कितना दूध है? 30 लीटर। ये जो दिखा रहे हो, हाँ जी, गाय, तो HF के पूरे क्रेटर हैं इसमें? नहीं, देखो थोड़ा कम है अंकल जी, है फार्म की है, पर थोड़ा क्रॉस है। क्रॉस है थोड़ा, थोड़ा सा। कितनी ब्यांत की है ये? ये फर्स्ट टाइम है, अभी बच्चा देगी पहली बार में। कितने दांत? 4 दांत है जी। दिखा देगी जी, 4 दांत। कितना दूध देगी? दूध अंकल जी अपना लगभग पहले बेहतर में 25 दे देगी। अच्छा। 20 से ऊपर ही जाना है इसमें। दाम क्या है इसका? ये 64 की है। 64 की है, हाँ जी। महंगी नहीं? महंगी नहीं अंकल जी। 24? अच्छा, पहली ब्यांत? पहला ब्यांत है अंकल जी। स्ट्रक्चर अच्छा है, बॉडी स्केयर अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है। तुमको एक बात बताएं? हाँ जी। हम जब पहले खेला करते ना, हम वॉलीबॉल खेलते थे। अच्छा जी। सारे गेम खेलते लेकिन वॉलीबॉल गेम खेलते, तो हम लोग खेलते खेलते चीटिंग भी कर लेते थे। फिर जब मैच खत्म होने के बाद ना, फिर आपस में बैठ के बताते थे एक दूसरे को कि हमने वहाँ पर ये ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। बड़ी बहादुरी अपनी वो गिनाते थे। जब तुम लोग चीटिंग कर ले, तुम भी बताते आपस में व्यापारी मिल के कि हमने उसको लूटा, हमने उसको लूटा। देखो जी, जो आदमी चीटिंग करते हैं वो शायद इकट्ठे होते होंगे, हम नहीं होते जी। नहीं, मिलते तो आपस में? नहीं मिलते हैं, ये चीटिंग वाली बात अंकल जी, जो करता है वो बताता ही नहीं है।
जो करता है वो बताता नहीं है। हाँ जी, क्योंकि खेल में तो अगला प्रोड आउट कर देता है, ये मैंने ऐसे कर दिया वो कर दिया, पर ये चीज़ में कोई नहीं करता, ये बताता ही नहीं है। और जो चीटिंग करने वाले सामने तो पता तो लग ही जाता है कौन कर रहा है कौन नहीं। छोटे कद में? हाँ जी छोटे कद है, वो क्रॉस है जी। क्रॉस में? क्रॉस में। ये गुजरात जा रही है? गुजरात जा रही है। हाँ जी। कितनी उम्र की? ये उनके लिए लील भाई के लिए दोबारा परचेज, पहली मंदिर के लिए? नहीं नहीं, अनिल अपना गुजरात सीहोल। गुजरात से? हाँ जी, जिनको पहले भी माल गया था, अभी पहले भी परसों गाड़ी। अनिल भाई आपके लिए हमारी शुभकामनाएं। नहीं तो, अभी बात भी करा देता हूँ, वो खुश है। बातें कर दे, ये बताइए कितना दूध देगी? ये दूध अंग दे देगी 25-25। हाँ, दाम क्या है? दाम ये 62 की, 62,000। हाँ जी। महंगी नहीं है? नहीं नहीं, बोल दो अनिल को महंगी है, बोल दो जी को, उनको मानेगा नहीं वो? हाँ जी मान जाएगा। उन्होंने अभी तक जो गाड़ी उनके घर पे पहुंच रही है उसका नहीं पूछा, तो इसका क्या पूछेंगे वो? तो कौन सी भी आदत बताएं इसकी? सेकंड एंगल? सेकंड में? हाँ जी क्रॉस है। कितने दांत है? ये पूरे दांत हो गए क्रॉस में, पूरे हो जाती है। दाम बताया था इसका कितना? 65 ना? 62। 62। हाँ जी। ये वो ब्रुसेलोसिस की किट? हाँ जी। कैसी होती है? ये देखो क्विक वेट लिखा हुआ है। हाँ ठीक है जी, ये एक किट है जी। अच्छा, जैसे अपना प्रेगनेंस चेक करते हैं ना? हाँ। ये सेम एज इट होती है। अच्छा अच्छा, इसमें हम ये पाइप है? नहीं नहीं, प्रेगनेंस का ये अपना है, ये सारा बता रखा है सर। हाँ जी। हाँ, और जैसे हम प्रेगनेंस का टेस्ट करते हैं वही चीज़। अच्छा, है वही चीज़ है। कान से हम ब्लड लेते हैं। हाँ। उसका थोड़ा दो बूंद निकाल के इसके ऊपर डाल देते हैं। अच्छा, एक मिनट में रिजल्ट आ जाता है? एक मिनट रिजल्ट बता दें? हाँ जी। ब्रुसेलोसिस है या नहीं? नहीं। वो ये तो, क्या? ये दो बूंद पड़ती है साथ में। वो क्यों? क्योंकि जब ब्लड डालते हैं ब्लड के ऊपर ये दो बूंद डालते हैं। हाँ, उसका रिजल्ट लेने के लिए? रिजल्ट लेने के लिए। तो ये जो गाय दिखा रहे हो तो ये बड़ी पीछे से इसकी वो उठी हुई है? फर्स्ट टाइमर है जी। फर्स्ट टाइमर है? कितने दांत है? 6 दांत है। ये तो बूढ़ी लग रही है, 4-5 की? 6 दांत है जी, फर्स्ट टाइमर। दिखाना, रतन दिखा तो। इसी इतनी उम्र की लग रही है? उम्र नहीं अंकल जी, ये किसान ने कम खिलाया हुआ था, अभी तो ये दो दिन में और अच्छी हो गई। जब हमने ली थी कम ऑर्डर था, आज तो बहुत अच्छा ऑर्डर बना रही है ये। कितना दूध देने वाली है ये? फर्स्ट टाइम में देगी 25। तो दाम क्या इसका? 72 की है। 72,000? हाँ जी, और HF ब्रीड में है जी। कितना किराया लगा? आसाम का जी। ब्रीड पूरी इसकी? पूरी अच्छी ब्रीड है जी। तो किराया कितना लगा? किराया अंकल जी ऐसे थोड़ा 2-3 जगह पे चल रहा है। एक ही ट्रक जाएगा? एक ही ट्रक लगभग 2 लाख से ऊपर ही लग रहा है। अच्छा। 10 चक्के का। ये गुवाहाटी से भी 400 किलोमीटर आ गए है, तो लगभग ये 3,000 किलोमीटर है। और उस एरिया में पहले तो अपना ये आता है इधर आसाम में गुंडा टैक्स लगता है, एक तो उसका 10,000 की फीस है। फिर उसके बाद अपना वहाँ पे बंगाल पड़ता है, बंगाल में जो सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी में 22,000 की पर्ची है ट्रक आगे लेके जाने की। अच्छा, 32,000 तो ये सिर्फ टैक्स ये लगता है, और बाकी राज्य में जो जाना है। पंजाब में गुंडा टैक्स लगता है? किसी राज्य में? सिर्फ आसाम में गुंडा टैक्स है। अच्छा, तो गाय के ऊपर सरकार जानती है? और इधर सिलीगुड़ी में सब जानते हैं जी, उनको भी कमीशन मिलती है ना। अच्छा। हाँ जी, तो ये थी ओबेरॉय डेयरी की गाय जो उड़ीसा, महाराष्ट्र और राजस्थान के लिए जा रही हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं तमाम खरीदारों के लिए और कालू भाई के लिए, जिन्होंने बहुत अच्छी चुनिंदा ये भेजी हैं गाय। धन्यवाद। जय हिंद।